क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, कल तलक ये दिल था मेरा अब तुम्हारा है, क्या तमन्ना है, क्या इशारा है, हमने तो पल पल तड़प के यो नमस्कार पहलाक और आप सबका सर अच्छा उम्मीद करनू सब भले रचा मैले भल छू और छोटू को मेरा प्यार और मैं तारा नेगी आपका अपने चैनल पे या आपके चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। और जो भाई बहन मेरे नए हैं इसमें चैनल में उन्हें मैं बता दूँ मैं तारा नेगी उत्तराखंड जिला नैनीताल रामनगर से हूँ दोस्तों। और आजकल मैं अपने दोस्त के यहाँ आई हूँ तो ये हमारा खूबसूरत सा हल्द्वानी है दोस्तों और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की कमेंट्स मिलके और थोड़ा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आप तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो मेरी भी हिम्मत बढ़ रही है थोड़ा और मैं भी ब्लॉगिंग अपनी चालू रख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप सभी को कि आपने मुझे इतना सपोर्ट करा मुझे समझा। थैंक यू दिल से थैंक यू दोस्तों। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों 10:30 बजे से क्योंकि आज मैं बहुत लेट उठी। रात भर हमारी दोस्तों में होता ही दोस्तों गप्पे शप्पे चलती है खूब मस्ती तो हम लोग गप्पे मारे थे हमें रात के 2-3 बज गया तो या कहिए आप मॉर्निंग में का 2-3 बज गया तो मैं इस वजह से लेट उठी। मम्मी का भी फ़ोन आ गया कि हाँ उठे नहीं उठे, मैंने कहा नहीं मम्मी अभी उठ रहे हैं ये। मम्मी कह रही बाबा हो नहीं आया तुम्हें अभी चैन नहीं हो तुम्हारा उजाओ अल्लाह। मैंने कहा नहीं हो अल्लाह उजाओ हमारा। मम्मी कह रही अब दोस्तों घर में तो मॉर्निंग का एक टाइमिंग है ही है कि हमें ये करना होगा दोस्तों के हाँ या कहीं हम जाते तब थोड़ा चिल लगता है कि हाँ चलो थोड़ा आज देर से उठा जाए तो बस यही। मम्मी हमारी फ़ोन पे ही डांटना स्टार्ट। मम्मी उनका भी मतलब छोड़ना नहीं है उनकी भी एक डेली रूटीन है कि हमको कहीं ना कहीं डांटना है ही है तो घर में आजकल नहीं हो रहा है तो मम्मी फ़ोन पे नहीं हो अल्लाह तेरा उजाओ है राती ये सुबह दोपहर घाम है गई 9 बजे काम काज वाले अपन काम धंधों में पहुंच गई ये। मैंने कहा हाँ मम्मी बस बस उठ गई मम्मी नेटवर्क नहीं आ रहा मम्मी नेटवर्क नहीं आ रहा कट रही आवाज़ कट रही। तो मैंने भी इस तरीके से फ़ोन काट दिया दोस्तों। हाँ फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं उठ ही गई और मैं अभी बस नहा के अपने कपड़े डालने ही आई हूँ ऊपर कपड़े वपड़े थोड़ा और देखिए चमचमाती धूप हल्द्वानी की खतरनाक की धूप हो रही है और इस वजह से आज मेरा मैं उठी ही अभी हूँ अभी ये सीधे मॉर्निंग में छत पे ही आई हूँ और मैंने अपना आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ दोस्तों। आई हो आपको अच्छा लग रहा होगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ब्लॉगिंग करते हुए। मम्मी ने तो आज मुझे फ़ोन पे ही सुबह सुबह जी भर के हड़का दिया है डांटवा दिया है बस इसलिए मैं भी जल्दी उठ गई। और दोस्तों इतनी धूप हो रही है मैंने सोचा था आप लोगों को मॉर्निंग का व्यू दिखाया जाए यहाँ का मॉर्निंग का व्यू बहुत सुंदर लगता है पर मैं दिखा नहीं पाई सो ही रह गई। कोई नहीं नेक्स्ट टाइम देखते हैं जब मुझे मौका लगेगा मैं जल्दी उठने की कोशिश करूँगी यहाँ पर नहीं तो दोस्तों वही हो रहा है दोस्तों के साथ थोड़ा हैव फन मतलब अच्छा लगता है एक अपनी लाइफ बिल्कुल थोड़ा फ्रीडम लगता है घर से दूर तो अच्छा लग रहा है। आइए दोस्तों चलते हैं और आपका ये सपोर्ट और ये प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। थैंक यू फिर से बहुत थैंक यू सो मच और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें मुझे हेल्प करते रहें यही मैं चाहती हूँ दोस्तों। और कोई अगर मेरी वीडियोस में कोई कमी हो क्योंकि हमारी भी स्टार्टिंग ही है दोस्तों तो कोई कमी हो या कुछ ऐसा आपको लगे कि हमें कुछ और बेहतर होना चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए प्लीज़ दोस्तों। और जो भाई बहन हमारे रामनगर में आ रहे हैं दीदी लोग हमारी आ रही हैं आम की पेटी वेटी सब तैयार है कोई दिक्कत नहीं है आप आइए बगीचा पूरा ठेकेदार अंकल के हम कह देंगे ठेकेदार अंकल से भी दीदी लोग आ रहे हैं उनके लिए रख दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है आप लोग आइए आराम से आपका मोस्ट वेलकम है रामनगर में आपके अपने घर में आपके अपने परिवार में दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद दोस्तों। शाम के 5:30 हो गए हैं और ये दिया जा रहा है फूलों को पानी बहुत सूख गए हैं ये बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी पड़ रही है बाबरे हम ही सूख गए हैं फूल पौधों को क्या कहें। और ये देखिए दोस्तों ये सूख गए हैं बुरी तरीके से इन्हें हमारी मैडम पर्दों की रानी दे रही हैं पानी और ये देखिए अब थोड़ा ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फालतू और ये तो फालतू है ही जो पानी दे रही है और ये देखिए पाइप से दे रही है ये ये थक गई है बाल्टी से पानी दे देखिए ये देखिए दोस्तों ये कितने सूख गए हैं ये हो गया बेहाल ज़्यादा लेमन टी है ये
इसके दो पत्ते चाय में डालो, आहा क्या गजब की चाय बनती है दोस्तों, स्वाद वाली। और ये बेचारा हार गया ये गर्मी से, और हार के कारण ये डाउन पड़ गया, एलोवेरा सूख गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हरे भरे से, लेकिन ये सूखने लग गए हैं, ये गर्मी से, इतनी गर्मी हो रही है सूखने लग गए हैं ये पेड़ पौधे सारे के सारे। ये देखिए दोस्तों कल परसों ठीक भी लग रहा था, आज ये कुछ ज़्यादा ही सूख गया, पौधों का बुरा हाल हो गया गर्मियों से। चलिए दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा छत में, और थोड़ा सा छत में टहल के आते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा छत पे, और अभी हम थोड़ी गर्मी कम हुई है, मौसम थोड़ा ठीक है, राहत है, और इसलिए हम थोड़ा सा बाहर निकले हुए हैं। और ये हमारे देखिए पेड़ पौधे बेचारे सूख गए हैं, थक हार गए हैं ये भी। चलिए दोस्तों चलते हैं छत पर, आपको छत का नज़ारा दिखाते हैं, खूबसूरत सा बड़ा मस्त फर्स्ट क्लास। दोस्तों हम आ गए हैं छत पे, और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो दिन भर इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं अभी छत में आ गई हूँ टहलने के लिए, अभी थोड़ा सही लग रहा है। और दिन भर तो दोस्तों बहुत गर्मी है, हर जगह बहुत गर्मी है, क्या कहें गर्मी का हाल आपको पता ही है, और थोड़ा सही लग रहा है। हम तो दिन भर बालकनी में बैठ के बाहर के नज़ारे देख रही हूँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस यही हाल हो रहा है मेरा तो। और सुबह या शाम को छत पे आ जा रही हूँ टहलने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए। आजकल दिनचर्या मेरी यही चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बना भी नहीं पा रही हूँ। और दोस्तों बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वैसे भी सुबह से मम्मी की फटकार तो सुनी ली थी, बुझाओ है नहीं है करके, मम्मी लोगों को वही मेहमानदारी में भी नहीं छोड़ती, घर पर तो घर पर मेहमानदारी में भी नहीं छोड़ती हैं, वो भी क्या करें, उन्हें भी यही लगता है, पता नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि चलिए ठीक है मॉर्निंग में उठने की आदत सही रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी नहीं उठा तो क्या जा रहा है, खासकर जब दोस्तों के साथ हम आए हुए हैं तो यार कहाँ मन करता है थोड़ा चिल मारने का। चलिए दोस्तों मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, और मुझे भी अब ठीक लग रहा है जब आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भाई बहन मेरे इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियोस को स्किप करके ना मत देखिए, काट काट के मत देखिए, पूरा अच्छे से देखिए, क्योंकि मेरा वॉचिंग टाइम बहुत ही बेकार चल रहा है, उसमें बिल्कुल भी वॉचिंग टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन मेरा वॉचिंग टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आपको कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियोस बेकार बन रही हैं या कोई कमी है, मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे बताइए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही मुझे बुरा लगेगा दोस्तों, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे सच्चे दोस्त हो और जो मेरी कमियों को बता रहे हो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय दोस्तों।